नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होना है, लेकिन किस तरीके का नैरेटिव गोदी मीडिया बना रहा है, गोदी मीडिया की असलियत पर भी यहाँ पर बात करने की जरूरत है। जितने टीवी चैनल्स, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर किसी भी टीवी चैनल का, लेकिन क्या टीवी चैनल और क्या अखबार, आप अगर उनको उठाकर देख ले तो उसमें केवल और केवल राम मंदिर और मोदी जी, इनके अलावा कोई भी चर्चा नहीं है। ये भी चर्चा है कि देखिए बीजेपी कितने सारे लोगों के लिए उसने फ्लाइट्स बुक कराई हैं, कितने सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। और कल जब राम मंदिर के इनविटेशन को कांग्रेस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ये कहा कि हम, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसमें हम नहीं जाएंगे, तो उसके बाद से कल शाम से पूरा गोदी मीडिया सिर्फ एक ही हेडलाइन चला रहा है अलग अलग फॉर्म्स में कि राम मंदिर को ठुकरा दिया कांग्रेस ने, राम को नकार दिया कांग्रेस ने। लेकिन साथ में जो चीज कांग्रेस नहीं बात, जो गोदी मीडिया नहीं बात कर रहा है, वो है कि चार शंकराचार्य जो देश के हैं, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी रीति रिवाज नहीं फॉलो किया जा रहा है और एक अध निर्मित मंदिर में, यानी कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, आधे निर्माण वाले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है और ये एक विडंबना है, ये सारे शंकराचार्य ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा एक राजनीतिक प्रोग्राम इसको जो बनाया गया है वो उसके खिलाफ है। लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं बात कर रहा है और ना ही ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। एक भी गोदी मीडिया के चैनल ने, अखबार ने इस चीज को लेकर सवाल नहीं खड़े किए कि क्यों आखिर शंकराचार्य ऐसी बात कह रहे हैं। ना बीजेपी के लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भाई शंकराचार्य क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। उधर राम, बीजेपी का एक पोस्टर निकला था अभी कुछ दिन पहले जिसमें कि वो राम की उंगली पकड़कर चल रहे हैं और बीजेपी की नीचे टैगलाइन लिखी हुई है कि जो राम को लाया है हम उसको लेकर आएंगे। तो इस तरीके से क्या अब जो सवाल बनता है कि क्या मोदी जी राम से बड़े हो गए हैं? क्या मोदी जी ने यह सोच लिया है कि वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट तो बताएंगे लेकिन वो शंकराचार्यों को नकारेंगे, क्योंकि उनके लिए शंकराचार्यों का कोई मतलब नहीं है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आनंद सहाय जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक, पॉलिटिकल कमेंटेटर। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर पर। सर, जो पहला सवाल है और जो बहुत हैरान करता है कि आखिर गोदी मीडिया मोदी जी को राम मंदिर के संदर्भ में किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जिसको हम और आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, और ये शब्द बड़ा प्रचलित हो चुका है पिछले कुछ समय से, ये तो हमारे देश की, यही सबसे बड़ी हमारे हमारे दुख की बात है। एक किसी डेमोक्रेसी के लिए एक विडंबना है ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन अखबार हैं किसी भाषा में हो, टेलीविजन चैनल्स हैं, ये जो हैं, इनका इतना भयंकर परिवर्तन हो गया है कि सरकार बहादुर की खिदमत में ये कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। और यहां तक कि जितने प्रश्न उठे हैं पिछले साल डेढ़ साल में, वो सारे ऑपोजिशन पार्टी से पूछे जाते हैं, ना कि सरकार से। तो हर एक सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उनका अपना एक प्रचार तंत्र होता है। उसमें उनके जो मुखपत्र होते हैं वो हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे भारतवर्ष में पिछले कई सालों से बिल्कुल एक सरकार का या रूलिंग पार्टी का, और रूलिंग पार्टी हम ना भी कहें तो फिर ही एक दो व्यक्तियों का जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनका, उनके प्रचार के लिए एकदम अपने आप को न्यौछावर कर दे रही है। यहाँ इस हद तक कि अपनी विश्वसनीयता वो खो बैठी है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं, इससे हमें लगता है कि वोटर के कान पे जू नहीं रेंगने वाला है। अब नहीं, शुरू शुरू में जिस तरह से कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे बिगाड़ दिए गए हैं देश के, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, और जितने आपके
जितने सरकारी विभाग हैं, ईडी है, सीबीआई है, इन 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 पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। अब तो लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें जस्टिस चाहिए तो अब कोर्ट में जाना व्यर्थ है। नहीं उसी तरह लेकिन से, हाँ उसी बिल्कुल तरह नहीं से ये आप मैं बात एक समानांतर में निकाल रहा था, उसी तरह से ये है कि अगर हमको यथार्थ ढूंढना है तो अखबारों में और टीवी चैनल में क्यों क्यों ढूंढे, वो तो जगह ही नहीं है। इसीलिए ये एक डेमोक्रेसी के लिए बड़े खेद की बात हो सकती है। और ये जो जो भी ये नैरेटिव निकालते हैं, उस समय की चर्चा का विषय किसी चीज को बनाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, वो चर्चा क्या करते हैं, वो हल्ला गुल्ला करते हैं, घनघोर, इसको कहते हैं घनघोर चर्चा आप कह सकते हैं, शोर शोर मचाना। वो तो सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ऊपर पर, उनको खुश करने के लिए ही करते हैं, ना कि जनता का, अपने पाठकों का, अपने दर्शकों का विश्वास जीतने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, वो उनको भी पता है। हाँ नहीं बट आनंद जी, राम मंदिर के संदर्भ में जिस तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, शंकराचार्यों को नकारा जा रहा है और गोदी मीडिया ये पूछ भी नहीं रहा है, तो क्या आज मोदी जी या मोदी जी का जो प्रचार तंत्र है, क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी राम से बड़े हो गए हैं, मोदी जी आज शंकराचार्यों से बड़े हो गए हैं? क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है? बीजेपी ये नहीं कहना चाह रही होगी दिल से, तो बीजेपी जो है वो चिंतित होगी कि शंकराचार्य जो हैं वो उनकी सोच से या उनकी मंशा के विरुद्ध बोल रहे हैं। उन्होंने एक राम मंदिर के विषय को लेकर उन्होंने उस इशू को इलेक्शन कैंपेन का मेन इशू बनाना चाहा, क्योंकि और कुछ जहां तक साधारण लोग हैं हमारे देश के, करोड़ों 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 में जो हैं, उनके लिए अगर सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, बल्कि उनके लिए उनके उनके हित के विपरीत काम हुए हैं बहुत सारे, अब उससे आपको भटकाने के लिए, उन्हीं को भटकाने के लिए वो धर्म की आड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि शंकराचार्य उनके उनके जो उनकी जो कथनी है उसके विपरीत कुछ बोले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शंकराचार्य तो हैं वो, अब उनको आप, उनके बारे में लोग अलग अलग राय रखने वाले होते हैं, वो ठीक है। और वो ऐसा नहीं होता है कि उनके लिए कोई बात कहना जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, रोज की बात नहीं, कभी कभी कह कह डालते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है, हम और आप कुछ कहें, लेकिन अगर शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं तो जनता जो है अब वो क्या देख रही है कि ये जो जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, हम उनकी बात सुने या शंकराचार्य की बात सुने, ठीक है। तो अब तो इसीलिए गोदी मीडिया और फंस गई है, और बहुत ज्यादा उसके जो कारनामे हैं सरकार के बगल में ढाल के रूप में खड़ा होकर के, और सरकार एक तो ढाल के रूप में कि कोई सरकार के आलोचना करे, जैसी भी करे, वो ढाल बन जाते हैं, और फिर सरकार की ओर से वो ब्रह्मास्त्र बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से मिसाइल बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कोई, ये सब अपना वक्त गंवा रहे हैं, ये सरकार को ठग रहे हैं, ये कह के जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं सरकार के लीडर, उनको ठगा जा रहा है ये कह के कि भाई देखिए हमने ये कर दिया, आपने आपने कहा था इतना है, दो कदम आगे चलो, हम उससे और आगे चले गए, अब बतलाइए और क्या क्या हुक्म है, हुक्म की तामील होगी। तो इस तरह का वातावरण है हमारे यहाँ, और इस तरह का वातावरण अक्सर तभी होता है जबकि आप एक टोटलिटेरियन है ना, पूरे समाज का, पूरे एक एक हिस्से का, पूरे राज्य के एक एक हिस्से का, सिविल सोसाइटी के एक एक हिस्से का आप उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं पूरी तरह से, उसी को टोटलिटेरियन कहते हैं। तो टोटलिटेरियन प्रवृत्तियां जब तेज हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि अपना पूरा उनका उन्हीं का अधिकार चले और किसी और का नहीं चले, तब जा करके डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दे करके, सबसे पहला काम अक्सर यही होता है, देखने को मिला है इतिहास में भी, दूसरे देशों की बात मैं कर रहा हूँ वहां भी, कि जो मीडिया है वहां की, जिसका अभी तक रेपुटेशन ठीक ठाक ही था,
ऐसा नहीं कि उनको उनको काम करना नहीं आता है, लेकिन जो मीडिया के जो ओनर्स हैं वो तो बड़े बड़े सेठ साहूकार और उस तरह के लोग होते हैं। मैं मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो बेचारे डरे गए हैं जो उनको धपकाया गया है, तो वो अपने दे आर फॉलोइंग इन लाइन। लेकिन यह है कि इससे ना तो शंकराचार्य का कद कम होने वाला है इनके कहने से, ना ही इस सरकार का कद ऊपर होने वाला है, ना ही किसी पार्टी का। यहाँ पर आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया कि उनका जो रिएक्शन था, भाई उन्होंने कहा कि न्योता मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे, चूंकि एक किसी पार्टी विशेष का जिसके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, उनकी ओर से निमंत्रण आया है, ये सारा कामकाज उन्हीं का किया हुआ है, तो हम उसमें जाना नहीं ये करते हैं। अब ये घर में बच्चे की शादी की बात तो है नहीं, है ये आप इसको पूरी घोर रूप से आप इसको पॉलिटिक्स के लिए चला रहे हैं। ये बात क्या, ये बात तो बच्चा बच्चा समझ रहा है, खाली गोदी मीडिया ही नहीं, जिसको आप गोदी मीडिया कह रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, केवल वही नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो चापलूसी में लगे हैं, और जो चापलूसी देखना चाहते हैं वो भी उसी में खुश है। नहीं, दे लेकिन आर आनंद जी स्क्रैचिंग बिल्कुल ईच नहीं, अदर्स आप बैक। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन राम मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन को लेकर अब एक तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट शुरू हो गया है, और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहना शुरू भी कर दिया है, सोशल मीडिया पर दिखने लगा है कि मोदी जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के स्थान पर अब बिल्कुल फाइनली वो काबिज हो जाएंगे एक बार जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये उनका बहुत ही कोर इशू था जिसको फुलफिल किया। बिल्कुल, आज जो बीजेपी का चरम काल होता है, जिसे कहा जाए चरम सीमा या चरम काल, वो इस समय चल रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोदी जी को भी ये फीलिंग आ गई है कि भाई अब तो मैं तो बिल्कुल भगवान हो गया हूँ, हिंदू हृदय सम्राट होने को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, जो भी मैं चाहूंगा वो करूंगा और मीडिया तो हमारे साथ है। देखिए, आपने तो देखा ही होगा, जबकि एक आध साल पहले नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, वहां तो पूरा लगता है किसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो, वहां पर बैठ के पूजा पाठ, तमाम प्रीस्ट वगैरह लाए गए, बुलाए गए, ये सब किया आपने, कि इसको कहते हैं ये बड़ा अजीब है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मंदिर है वो, इसी 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 इसीलिए और वो कर रहे हैं। और करते ही थोड़े ही दिनों के अंदर करीब 150 ऑपोजिशन एमपीज को आपने भगा दिया, वहां से सस्पेंड करा दिया। तो अब अगर तो ये तो धर्म के नाम पर आप कर रहे हैं कि सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के मंदिर को बनाने का दावा आप पेश कर रहे हैं, तो आप वहां से आपने जो एमपीज है उनको भगा दिया, ये तो है पूरा रामचंद्र जी को भगाने वाला काम है सर, ये कोई रामचंद्र में आस्था और विश्वास रख के काम ऐसा नहीं होता है कि ढोल बाजा गाजा के साथ वहां पर आप एक ईश्वर के नाम पे जो स्थापित हैं उनकी पूजा होती श्रद्धा से, ये कोई श्रद्धा हो रहा है, श्रद्धालु लोग हैं ये तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं, ये उनकी वो हो रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है ये सब करके, ये ईश्वर से भगवान श्री रामचंद्र से कोई लेना देना नहीं इसका। इसीलिए किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज कर ले, चूंकि क्यों क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन में वही उसी पार्टी का इनको शुरू से डर लगता है, हालांकि वो पार्टी पहले से बहुत कमजोर है आज, आज उसको औरों के साथ मिलकर के काम करना उसके लिए आवश्यक हो गया है। ठीक है, वो तो बीजेपी के लिए भी आवश्यक है अपने अपने अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन इसलिए लेकिन उसको रोकने की बात है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल आश्वस्त है कि इस बार तो उनको 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, उन्होंने तो बहुत विकास आश्वस्त का काम किया है। होगी, हाँ आश्वस्त नहीं, होगी ही, मैं लेकिन ये मेरा कह रहा हूं कि अगर अंदर से दिल डोल भी रहा है तो भी ऊपर से क्या दिखलाएंगे कि हम आश्वस्त हैं। अगर पूरी तरह, मेरी बात सुनिए, अगर पूरी तरह आश्वस्त होते तो ये सब करने की आवश्यकता थी? फिर तो जो बड़े बड़े लोग हैं इस सरकार के और इस पार्टी के, उनको तो पब्लिक के बीच जाना चाहिए था कि हम तो आपके पास आए ये कहने कि हमारा काम ये है, हमारे काम को सराहिए आप प्लीज, क्योंकि हमने पब्लिक के लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, गिना दीजिए आप। अब यहां पर तो सवाल उठ रहे हैं कि आप जो अगर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम के जोर पर जीतते हैं, ईवीएम की हेरा फेरी के जोर पर, ठीक है,
आप क्या करते हैं, चूंकि आपने कोई कामकाज किया नहीं ठिकाने से और खाली ढोल पिटते रहे हैं, तो अब आप राम जी का नाम ले रहे हैं। राम जी को आपने स्टॉक मार्केट में उठा के रख दिया है, एक तरह से ये हो गया है कि राम जी का चले तो फिर इनका जो हमारे शासक हैं आज, उनका स्टॉक इक्विटी ऊपर उठ रहा है और उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत से लोग हैं, डर के मारे सही, लेकिन हैं अभी। जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा वो सब लेके भागेंगे, फिर वो भाई बुल मार्केट से लेके बेयर मार्केट बन जाएगा। लेकिन जो इतना प्रो हिंदुत्वा प्रो हिंदू मोदी जी जो अपने आप को बताते हैं, क्या आज राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए जिस तरीके की विडंबनाएं सामने आ रही हैं, शंकराचार्य जी भी अगेंस्ट हैं, क्या आज ये चीज प्रूव हो चुकी है कि हिंदुओं के हित में मोदी जी नहीं काम कर रहे हैं बल्कि हिंदू विरोधी के रूप में नजर आ रहे हैं? अगर आज शंकराचार्य को भी नकारा जा रहा है, शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को भी नहीं मान रहे हैं और ना गोदी मीडिया उसको पूछ रहा है, उसके तो नहीं पूछने के कारण है, लेकिन मोदी जी के चरित्र के बारे में क्या कहा जाए? वो नहीं, हिंदू मैं तो आपसे ये प्रो कहता मैं तो आपसे ये कहता हूं कि जिन 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, है ना, फ्री या सब्सिडाइज रेट पर, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? तो हिंदू, अगर आपको हिंदू के हित में काम करना है, तब तो देश का सबसे बड़ा तबका उसी धर्म का फॉलोअर है, अनुयायी उसी का है। उसके हित में आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप भगवान श्री रामचंद्र के हित पे कैसे काम कर रहे हैं? ये तो झांसा देने वाली बात है ना पब्लिक को। चुनाव के पहले हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हो गए, क्यों? चूंकि ये मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। अरे मंदिर में घंटी बजाने वाला, तुलसी दल चढ़ाने वाला, आरती उतारने वाला तो हर एक हिंदू है, हर हिंदू घर में होता ही है ये सुबह शाम। हर हिंदू घर में कोई न कोई रूप से आराधना होती है। तो ये क्या है? जब इतना जोर शोर से होना शुरू हो जाता है, तब आप समझ लीजिए कि दाल में कोई काला है, दाल में कुछ काला है। सरकार जो है भयभीत है, उसके पास कुछ सचमुच में किया हुआ काम दिखलाने को नहीं है। तो अब उस चीज को कैसे लीपा पोती हो? यही मीडिया को पकड़ के, मीडिया को आंखें दिखा करके, मीडिया को कुछ लोभ लालच दे करके अपना काम उतारिए, काम चलाइए। आपके पास तो, आप कहते हैं कि आपके पास आपकी सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है संख्या में देखा जाए तो, सबसे ठोस आपके पास संगठन है, तो आप उसी के ऊपर चलाते हैं आप अपने काम के दम पर। वो तो आप कर नहीं रहे, आप लोगों के ठग रहे हैं, उनको आप झुठला रहे हैं ये कह के कि राम जी को तो एक इलेक्शन का खिलौना बना दिया गया है। आप समझते हैं शंकराचार्य के जो हो उसके, हम वो तो ह्यूमन बीइंग है वो। मैं कह रहा हूँ श्री रामचंद्र जी हो, ये सब से खुश होंगे क्या? हमें तो लगता है कि घबराहट से इनकी जान जा रही है, नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप अपने दम खम पे चलते। अब मान लीजिए मैं पत्रकार हूं, मैं लेख लिखता हूं, जहां मेरे लेख छपते हैं, अगर मैं जो यथार्थ है उसको लिखने की बजाय जो उस कंपनी के मालिक हैं, मैं उनका गुणगान करना शुरू कर दूं अपने लेखों में, तो आप पढ़ेंगे मेरी राइटिंग को? नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल आप कहेंगे भाई इसको तो पैसों की हवस चढ़ गई है, वही लिख रहा है जो मालिक कह रहा है, मेरी विश्वसनीयता मैं खो बैठूंगा अपनी। तो वही चीज हो गया है। अब कल को सरकार पलट जाएगी मान लीजिए, जिसकी संभावनाएं हैं। हमें याद है, पता नहीं आपको भी याद होगा, एक जमाना था इसी पार्टी का दूसरा पहला संस्करण जो था वो सरकार में थे, और एक बहुत लोकप्रिय लीडर के, ये जो डर के डंडे पे चलाते हैं, आज लोकप्रियता उस चीज पे बनी हुई है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता जो थी उनकी अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के ऊपर थी वो, उन्होंने भी बड़ा हंगामा मचाया हुआ था। उसको कहते हैं इंडिया शाइनिंग, कि बिल्कुल भारत बिल्कुल जिधर घुमा के देखो चमक रहा है। अब लेकिन वो लट गए औंधे मुंह गिरे जाके, हालांकि खुद उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी, आज भी उनके लिए लोगों के मन में इज्जत है।
वो हमारे बीच नहीं रहे, अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनके लिए कद्र है लोगों के लिए। बिल्कुल आज कद्र नहीं है, आज कद्र के बल पे नहीं कुछ हो रहा है, आज भय के बल पर हो रहा है। भयभीत हैं लोग, और जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो डर के मारे आप जो कहिए तो सलाम सलाम कर रहे हैं, वो झुक झुक के सलाम करते हैं वो दिन रात। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी बिल्कुल घबराए हुए हैं, और अगर उन्होंने वाकई में इतना क्रेडिबल काम किया होता तो आज फिर इस तरीके से राम का गुणगान मोदी मीडिया और खुद बीजेपी एक साथ नहीं कर रही होती कि पूरा गोदी मीडिया इस समय अयोध्या में आपको नजर आ रहा है। गोदी मीडिया जिसको सवाल करने चाहिए कि भाई बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, गरीबी का क्या हाल है, आज वो सब कोई सवाल गोदी मीडिया नहीं कर रहा है, उसके लिए ये सवाल है ही नहीं। सारे गोदी मीडिया के एंकर्स को अयोध्या में पोस्टिंग मिल गई है और वो पिछले 10 दिनों से वही हैं, और अभी लाइव चल रहा है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके पास केवल और केवल एक ही खबर है और वो है राम मंदिर का उद्घाटन। तो जिस देश में मीडिया का ये हाल है और जो बड़े आका है उनका ये हाल है, तो फिर क्या कहा जाए, कॉमेंट्री करने के लिए कुछ अब बचा ही नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग इस चीज को अपने स्वर में अपने सुर में बोलते रहें, पूछते रहें, और आनंद सर जैसे लोग जो मुखरता से इन बातों को रखते हैं और लोगों को समझ में आए कि आखिर असलियत क्या है बीजेपी सरकार की। हमारे बुरे दिन आ गए हैं, बड़े शोक की बात है, यही मैं कहूंगा। बिल्कुल नहीं नहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, बट थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर वॉइस सर, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।